नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंगवाष्टक चूर्ण के बारे में। देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी गुणकारी औषधियों का वर्णन हमें मिलता है। इसमें से ये जो हिंगवाष्टक चूर्ण है, इसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके जो भी इन्ग्रेडियंट्स हैं वो आसानी से आपको मिल जाएंगे, और जब हम इसे घर पर बनाते हैं तो पूरी शुद्धता के साथ सही प्रमाण में इसे बनाते हैं, तो आपको इसके पूरे फायदे भी मिल सकते हैं। इसका जो नाम है वो है हिंगवाष्टक चूर्ण। तो इसमें हिंगवाष्टक में दो शब्द है, हिंग और अष्टक। अष्टक यानी आठ। तो इस हिंगवाष्टक चूर्ण में आठ कंटेंट है, इसमें से एक जो है वो है हिंग। तो देखिए, इसमें सोंठ, काली मिर्च, पिपली, सफ़ेद जीरा, काला जीरा, अजवायन, सेंधा नमक और हिंग, इस तरह से आठ घटक द्रव्य इस हिंगवाष्टक चूर्ण में है। जिन लोगों को भूख अच्छे से नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता, खाने का स्वाद नहीं आता, या फिर खाना खाने के बाद उसका पचन अच्छे से नहीं होता, फिर पेट में फूलापन है, गैसेस है, अजीर्ण है, या फिर पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, इन सभी अवस्थाओं में, यहाँ तक कि जिनको डकार बहुत ज़्यादा आती है, जी मचलाता है, उल्टी जैसे लगता है, तो इन सभी अवस्थाओं में, इन सभी तकलीफ़ों में आप हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको हिंगवाष्टक चूर्ण में इस्तेमाल होने वाले सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके गुणधर्म क्या है, इसे बनाने की विधि क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, किसने इसका प्रयोग नहीं करना है, क्या सावधानी लेनी है, तो इन सब के बारे में बताएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब हम हिंगवाष्टक चूर्ण बनाने की विधि देखेंगे। इसके लिए हमें आठ घटक द्रव्य यानी आठ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हिंगवाष्टक चूर्ण में सोंठ, काली मिर्च, पिपली, सफ़ेद जीरा, काला जीरा, अजवायन और सेंधा नमक, इन सभी को समान मात्रा में लेना है। हमने इसमें से हर एक द्रव्य 40 ग्राम की मात्रा में लिया है। आप आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण में जो आठवां द्रव्य है यानी हिंग, उसे 1/8 यानी एक द्रव्य की मात्रा का आठवां भाग लेना है। अब यहाँ हमने बाकी द्रव्यों को 40-40 ग्राम लिया है, तो हींग को आठवां भाग यानी 5 ग्राम लिया है। तो चलिए हिंगवाष्टक चूर्ण को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है सोंठ यानी ड्राई जिंजर। सोंठ का पाउडर बनाने के लिए पहले हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के लेने हैं। टुकड़े बना के फिर आप बड़ी आसानी से मिक्सर में इसे बारीक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सोंठ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसका बारीक पाउडर बनाएंगे। मिक्सर में सोंठ का पाउडर बहुत आसानी से बन जाता है। इसी तरह से हम काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को भी अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। पिपली भी बहुत आसानी से बारीक हो जाती है। अब हम सफ़ेद जीरा और काला जीरा, इन दोनों का भी बारीक पाउडर बना के लेंगे। इसी तरह अजवाइन का भी पाउडर बना के लेना है। सेंधा नमक को भी बारीक करके लेंगे। आखिरी इंग्रेडिएंट है हींग। हींग का पाउडर बना के उसे गाय के घी में भून लेना है। इस तरह हींग का शुद्धिकरण किया जाता है। थोड़ा सा घी लेके एकदम धीमी आंच पर हींग के पाउडर को भूनना है। इसे चम्मच से लगातार हिलाते रहे। अच्छी तरह भूनने के बाद छलनी से एक्स्ट्रा घी को अलग करके लेना है। इस तरह से शुद्ध किए गए हींग का हिंगवाष्टक चूर्ण में प्रयोग कर रहे हैं। अब हमने हिंगवाष्टक चूर्ण के जो सारे इंग्रेडिएंट्स है उनका चूर्ण यानी पाउडर बना के लिया है। छलनी से इन सारे द्रव्यों को अच्छी तरह 3 बार छान ले ताकि यह सब अच्छे से मिक्स हो सके।
अब इसमें हींग को भी मिलाना है। हाथ से चूर्ण को अच्छी तरह मिला ले। तो देखिए इस तरह से हमारा हिंगवाष्टक चूर्ण तैयार है। इसे कांच की बॉटल में भर के रखेंगे। ढक्कन को अच्छी तरह बंद करें। यह चूर्ण 2-3 महीने भी अच्छा रह सकता है। हिंगवाष्टक चूर्ण की जो मात्रा यानी डोज है वो है 1 से 2 ग्राम दिन में 2 बार, यानी जो छोटा चम्मच है उससे 1/4 चम्मच तक आप ले सकते हैं। अब देखते हैं कि हिंगवाष्टक चूर्ण को कब और कैसे लेना है। तो जिनको भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता, वो जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए खाने के शुरुआत में पहले निवाले के साथ इसे ले सकते हैं, या फिर थोड़े से घी में मिला के भी इसे लिया जा सकता है। जिनको भूख तो लगती है लेकिन खाने का पचन ठीक से नहीं होता, पेट में गैसेस रहती है या फिर फूलापन लगता है, ब्लोटिंग रहती है, पेट में दर्द होता है, वो लोग खाने के आखिर में छाछ में मिला के हिंगवाष्टक चूर्ण को ले सकते हैं, या फिर खाने के बाद गर्म या गुनगुने पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। अगर कभी अजीर्ण या गैस की वजह से पेट में दर्द होता है तो हिंगवाष्टक चूर्ण को नींबू के रस के साथ भी लिया जा सकता है। ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, इससे भी आपका दर्द कम होने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं कि हिंगवाष्टक चूर्ण लेते समय हमने क्या सावधानी लेनी है। तो हिंगवाष्टक चूर्ण के जो इंग्रेडिएंट्स यानी जो घटक द्रव्य है वो गर्म स्वभाव के है, तीखे रस के है, इसलिए बहुत लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल ना करें। हिंगवाष्टक चूर्ण को किसने नहीं लेना है, तो जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जलन होती है या बहुत एसिडिटी होती है, शरीर से खून निकलता है, फिर चाहे वो नाक से या फिर मूत्र मार्ग से या मल के द्वारा अगर खून निकलता है, तो वो लोग हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन ना करें। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में यानी मार्च से लेके मई महीने तक और फिर अक्टूबर महीने में भी यानी ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में भी इसका इस्तेमाल संभाल के करें। अगर आप पूरी सावधानी के साथ इस चूर्ण का सेवन करेंगे तो इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको जो हिंगवाष्टक चूर्ण की विधि बताई है, उस तरह से आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर बना के देखिए और इसे लेके भी देखिए अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो, और आपके अनुभव भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।